नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पावर न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रभा वाजपेयी। आइए डालते हैं एक नजर यूपी की सभी छोटी बड़ी खबरों पर। सर्किट हाउस में सभागार में प्रभारी मंत्री व उत्तर प्रदेश गन्ना मंत्री सुरेश राणा के जनपद आगमन पर जनपद के अंश बीजेपी नेताओं समेत सैकड़ों समर्थनों ने माल्यार्पण कर किया स्वागत। जनपद के प्रभारी मंत्री ने सर्किट हाउस मीटिंग हॉल में कार्यकर्ताओं संग आवश्यक बैठक की, जहां सभी मंडल अध्यक्षों का परिचय प्राप्त करते हुए 2022 चुनाव की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया। इस दौरान पत्र प्रतिनिधियों से वार्ता कर बताया कि 2022 में आजमगढ़ की सभी 10 विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत हासिल करेगी। सुरेश राणा ने यह भी कहा कि जिस प्रकार से आम लोगों के बीच प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के कार्यों की चर्चा हो रही है, उससे लोगों में काफी उत्साह है और इस बार विधानसभा चुनाव में पिछली बार की अपेक्षा और ज्यादा सीट लेकर बीजेपी सत्ता में आएगी। उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों के 95,000 करोड़ का भुगतान सपा की पिछली सरकार ने किया था। भाजपा राज्य सरकार ने एक साल में 1,44,000 का भुगतान गन्ना किसानों को किया है। 10 साल में 30 चीनी मिल को बसपा व सपा सरकार ने बेच दिया था। बीजेपी सरकार ने एक भी चीनी मिल को बंद नहीं होने दिया और सबकी क्षमता को बढ़ाने का काम किया है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से चलने वाली उत्तर प्रदेश की यशस्वी योगी सरकार के 4.5 वर्षों का ऐतिहासिक कार्यकाल आज पूरा हुआ है और मैं कह सकता हूं कि लगातार इन 4.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र को फोकस किया है और सबसे बड़ी बात होती है विश्वास। 4.5 वर्षों में इस प्रदेश की 25 करोड़ सम्मानित जनता के मन में जो विश्वास आदरणीय योगी जी ने जागृत किया है विकास का, इसके लिए हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जहां तक विकास की बात है तो विकास के लिए सबसे आवश्यक था, उत्तर प्रदेश में 17 में जब भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार बनी थी तो हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि लोगों का विश्वास विकास के प्रति समाप्त हो चुका था, कानून व्यवस्था की हालत बेहद खराब थी, उत्तर प्रदेश में कोई निवेश करना नहीं चाहता था, उत्तर प्रदेश में जिन्होंने निवेश किया भी था वो भी निवेश को छोड़ करके भाग रहे थे, लगातार अपहरण होते थे, हत्याएं होती थी, रंगदारी होती थी, छिनैती होती थी, कुल मिलाकर के प्रदेश का माहौल ऐसा था कि कोई निवेशक उत्तर प्रदेश में आना नहीं चाहता था। मैं बधाई दूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कि 4.5 वर्षों में उन्होंने लगातार मेहनत करके और तमाम उन अधिकारियों को भी कि जिन्होंने पूरी तरह मेहनत के साथ इस कानून व्यवस्था को मेंटेन करने में बनाने में माने मुख्यमंत्री जी के साथ कदम से कदम मिलाकर के सहयोगी की भूमिका निभाई है और उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था एक रोल मॉडल बनी हुई है और साथ साथ जितने भी निवेशक हैं देश नहीं दुनिया भर के, आज दुनिया भर के निवेशकों की पहली पसंद यदि निवेश करने की है तो वो उत्तर प्रदेश के अंदर है। इसके अलावा भी हम यदि अन्य बिंदुओं को भी फोकस करते हैं तो मुझे लगता है चूंकि किसान हमेशा भारतीय जनता पार्टी के मुख्य एजेंडे में रहा है और किसान मुस्कुराता है तो देश मुस्कुराता है। आदरणीय मोदी जी आदरणीय योगी जी का लगातार संकल्प है कि किसान के चेहरे पर मुस्कुराहट रहनी चाहिए, इसलिए किसानों को लेकर के भी 4.5 वर्षों में अभूतपूर्व काम योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में किए हैं। हम सब जानते हैं कि सरकार आते ही 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ऋण मोचन करने का काम
योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में किया था।